34 कंजंक्शंस का पार्ट 1। लुक एट योर स्टूडेंट्स, देखो कंजंक्शंस, कंजंक्शंस का मीनिंग होता है जॉइनिंग वर्ड्स। क्या होता है इसका मीनिंग? जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड यानी कि कोई एक वर्ड होता है जैसे कि एंड, ये एक वर्ड कोई दो वर्ड को, दो सेंटेंसेस को और दो फ्रेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जैसे कि मैंने लिखा एप्पल ऑरेंज, तो हम इन दोनों को जोड़ एक साथ बोलने के लिए क्या बोलेंगे? एप्पल एंड ऑरेंज। क्या बोलेंगे? एप्पल एंड ऑरेंज। तो इन दोनों वर्ड्स को हमने किसके साथ जोड़ा? एंड के, एंड से हमने इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा है। वैसे ही हम दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। आई लाइक टी और दूसरा सेंटेंस मैं बनाती हूँ आई लाइक कॉफी। तो इन दोनों सेंटेंस को अगर मुझे जोड़ना है तो मैं ऐसे जोड़ूंगी, जैसे कि आई लाइक टी एंड कॉफी। एंड से हमने जोड़ दिया वाक्य को, इस सेंटेंस को हमने एंड से जोड़ा, तो एंड क्या हुआ? जॉइनिंग वर्ड यानी कि कंजंक्शन। एंड को हम कंजंक्शन से बुला सकते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। He drank tea and she drank coffee. He drank tea and she drank coffee. वो चाय पीती है और वो कॉफी पीती है। तो वो चाय पीता है और वो कॉफी पीता है, तो इसको इन दोनों सेंटेंस को हमने एंड से जोड़ा है, तो एंड को हम कंजंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। ही इज पुअर, बट ऑनेस्ट। वो गरीब है पर ईमानदार है। और को हम इंग्लिश में बट बोलते हैं और ये कंजंक्शन है। लिखो इतना। राइट डाउन एवरी वन दिस एग्जाम्पल्स। थर्ड, शी मस्ट बी स्टडी हार्ड। उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शी विल फेल, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नहीं तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज लेट सो ही मिस्ड द ट्रेन। कंजंक्शन क्या है? सो और इसमें है
ये सारे एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स है। मैंगोज एंड एप्पल्स आर फ्रूट्स। कंजक्शन ठीक है। उसके बाद 10 and 5 are 15। टेन एंड फाइव को जोड़ेंगे तो क्या होगा 15। तो एंड क्या है कंजक्शन। उसके बाद का एग्जांपल देखो। ही विजिटेड द अजंता एंड इलोरा केव एंड इलोरा केव। उसने अजंता और इलोरा की केव यानी की गुफा की मुलाकात ली। तो एंड क्या हुआ कंजक्शन। लिखो राइट डाउन एवरीवन। सबने लिख लिया। नाउ नेक्स्ट लिखो कौन कौन से कंजक्शंस कैसे यूज होते हैं। अब हम वो देखेंगे। देखिए नाइदर नोर ये कंजक्शन है। नाइदर नोर
तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? लिखो, ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी। उसको टी और कॉफी दोनों ही पसंद नहीं है। नाइदर नॉर का यूज हम तब करेंगे जब किसी को दोनों चीजों से परहेज हो। किसी चीज कोई चीज पसंद ना हो, कोई चीज करी नहीं हो, तो उस टाइम हम नाइदर नॉर का यूज करेंगे। उसके बाद आइदर और, आइदर और का यूज हम तब करेंगे जब दोनों ही चीजें वो करनी और दोनों ही चीजें का आपको पता हो, उस टाइम आइदर और का यूज करेंगे। लिखो, लर्न, दोनों में से किसी एक चीज, लर्न आइदर हिंदी और गुजराती, हिंदी और गुजराती में से कोई भी एक चीज सीखो। मेरे साथ आप सबको भी लिखना है। उसके बाद आता है बोध एंड। तो बोध और एंड का यूज हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। People love and respect them. हम उनको चाहते भी हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनका आदर भी करते हैं। इसलिए यहाँ बोथ और एंड का यूज हुआ। ये लिख लो सब लोग। Conjunctions.
रिटर्न। कुछ नहीं बोला, कोई कोई तेरी भी कंप्लीट हो गई।
लिख लिया। नेक्स्ट रखेंगे, बाकी का हम पार्ट टू में देखेंगे, ठीक है।